भाई ऊपर उठा रहे थे शो के लिए लाए हो? शो के लिए भाई, अभी नहीं ला के लाए हो क्या इसको? हाँ ना ला के लाए हैं भाई। इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट होगी भाई 5'6" 7'1" से। लंबाई भी होगी भाई, अच्छी लंबाई है, बाकी तो भी फुटका नहीं डाला हम ताज़ा है यार। मैंने गर्दन इधर करना है इसने भाई, हम 14 तारीख को आए थे। सिमन बिके हैं इसके? हाँ सिमन भाई बिकता है, नहीं अभी आने के बाद में बेचे आपने आया आप बेचते हैं उठ रहे हैं भाई। ले रही अपना बात लगा फादर का नाम है भाई, तुम देखो इससे बढ़िया और क्या है सर जी। नमस्कार। नमस्कार जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सतपाल है जी। हाँ उगाड़न गांव है, डिस्ट्रिक्ट हिसार हरियाणा। हाँ जी। अच्छा इसका नाम क्या है? इसका गोल्लू उगाड़न नाम है, गोल्लू इसका नाम है, उगाड़न इसका गांव है। हाँ यूट्यूब पे गोल्लू उगाड़न के नाम से जी। अच्छा प्रेरणा इसका काम भाई। अच्छा क्या उम्र का जी? यू भाई 3 महीने में 4 साल का हो जाएगा। हाँ अच्छा, तो ये जो सिमन वगैरह का इसका जो है ब्रीडिंग वगैरह का कब से स्टार्ट किया जी आपने? वीडियो तो इसकी बन दिए रहे हैं भाई, ब्रीडिंग का भाई साल से ऊपर हो गया, बच्चे आ रहे हैं इसके। अच्छा इसकी माँ की जो दूध की कैपेसिटी है कितनी है जी? इसकी 2600 की है भाई, सेकंड ब्यांत की इसकी मदर की। हाँ जी। अच्छा फादर कौन था इसका? फादर भाई इसका अर्जुन कुंगड़ है। हाँ जी। आपके पास ही था? हाँ नहीं जी, इसका फादर तो अर्जुन कुंगड़ में है, भिवानी डिस्ट्रिक्ट में, वो भी 10 बार का चैंपियन है। तो वजन वगैरह तो काफी अच्छा है इसका? वजन तो बढ़िया हो रहा है भाई, कभी तो लिया नहीं, बाकी बढ़िया वजन है। अंदाजा कितना होगा जी? कोई अंदाजा नहीं भाई, मैंने कभी कांडे पर नहीं चढ़ाया और ना चढ़ाना चाहता। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा हाइट क्या जी? हाइट तो भाई होगी 7 फुट की सही फीता, टेकांगे तो 7 की पाओगी, 9 की भी बोलते हैं, 10 की भी बोलते हैं, 1 से नहीं बनेगी, 5-7 की हाइट होगी लगभग। तो ये इतना जो अच्छा जो क्वालिटी का आपने जो तैयार किया है, तो इसके अंदर जो क्या मेहनत रहती है, इसके अंदर क्या फीड वगैरह का रहता है आपका? मेहनत तो भाई फीड में तो जैसे चना है, सोयाबीन है, गेहूं का है, थोड़ा मिक्स फीड सारा देते जो बढ़िया होता है वो, और भाई दूध दाद पिला देते हैं इसको हर रोज पर डे। अच्छा। दूध इसको डेली है। जैसे इसके बच्चे होते हैं तो उसके अंदर खास कोई ध्यान रखना पड़ता है कि फीड वगैरह का? या नहीं भाई ध्यान रखना पड़ेगा, एकले फीड से नहीं होगा, एकला दूध से भी फीड से कुछ नहीं होगा, बाकी ऊपर की संभाल जरूरी है। अच्छा हाँ, भूख की है, लीवर की है, सब कुछ मौके पर देना पड़ा भाई। अच्छा वो सब कुछ? हाँ हाँ हाँ, एकला खिलाने से नहीं होगा भाई, साथ के साथ प्रोडक्ट और भी देने पड़ेंगे। अच्छा, जैसे लीवर टॉनिक है, वैसे कीड़ा की दवाई है, इस तरह के प्रोडक्ट देने पड़ेंगे भाई।
जैसे क्षेत्र का फर्क पड़ता है, जैसे आपका जो हरियाणा का है ना भाई, कहीं भी तैयार कर सके, बिल्कुल नहीं कहीं तैयार कर सके इंडिया के अंदर। फीड तो तैयार मतलब फीड सारा रहता है ना इंडिया में, पूरे में वही फीड है, थोड़ा लेने की सोच फर्क है, लगे कहीं से भी मंगवा सके, आम भी थोड़ा दूर से ले आवा कई बार। अच्छा, तो इसका सीमन वगैरह मिल जाता है कहीं अवेलेबल करवा? सीमन भाई हरियाणा में है, हरियाणा से बाहर नहीं है। अच्छा, तो अगर सीमन के लिए आपसे कैसे संपर्क करे कोई बंदा? भाई मोबाइल नंबर दे रखा मेरा 93066-13313। अच्छा, मोबाइल भिजवा देते हैं, उसमें संपर्क कर लेगा भाई, जिस तरह के संपर्क होंगे कोशिश करेंगे। अच्छा, तो क्या रेट रखी जी इसकी सीमन? सीमन प्राइस भाई 300 रुपये। अच्छा अच्छा, तो अभी क्या इसमें जो पुष्कर मेले में आप लेके आए, शो के लिए लेके आए क्या? शो के लिए लेके आए हाँ भाई। अच्छा। नाने ना मन कर रहा था, फिर ये गोलू भी ना आया होगा। अच्छा, हाँ कई जैसे और भी मतलब पालते हैं भैंसे वगैरह, तो वो बोलते ना कि हम घी खिलाते हैं, बादाम खिलाते हैं। नहीं भाई, घी भी खा ले, कोई दिक्कत को नहीं, घी भी धरया है यहाँ पर, ऐसी बात नहीं, झूठ की बात नहीं, कुछ भी खिला सके, शौक सबसे बड़ा शौक, और शौक में कुछ भी खिला सके। आप भी खिलाते हो कैसा कुछ? मैं खिला दूं भाई। क्या क्या खिलाते हो? घी भी खिला दूं। हाँ। और दूध को तो भाई मेरी टाल, उसके है मेरी टाल है तो इसकी भी टाल, अगर मैंने एक गिलास पिया ने तो एक किलो इसको भी कहीं ना कहीं से लाऊंगा। अच्छा अच्छा, खुराक बताओ ना इसकी, क्या क्या खुराक रहती है दिन भर का जो खुराक रहे? दिन भर का तो तू देख ले भी, 10-12 किलो दूध पिला दूं। अच्छा, हाँ हर रोज का है भाई, कोई उपचुक लाग जे भैंस नहीं दे, वो टाल उसके है। हाँ। 10-12 किलो दूध पिला दें भाई, कुछ भी खिला सका है यार, बच्चे की तरह जो बच्चे ही चीज लिया उन मत यू खाओ भाई। नहीं, दिन भर की जो इसकी खुराक का जो शेड्यूल है ना, वो जानना चाह रहे हैं आपसे। शेड्यूल इसका भाई कोई फिक्स नहीं है, एक दिन तो यू 1500 का भी खा जे है, एक दिन 2000 का भी खिला दें, कोई बात को नहीं पर डे का। तो फीड में क्या रहता है, चारा वगैरह रहता है? यहाँ है जो कर प्रदर्शनी मामा न्यार तो खाता नहीं। हाँ। रचदा नहीं ना घर बिना। हाँ। यहाँ भाई दूध दूध का सारा, अच्छा दूध मिल जाए तो 20-30 किलो दूध का सारा भी रख दे इसको, सीधा थोड़ी का। अच्छा अच्छा अच्छा, 20 किलो दूध पिला दे भाई। हाँ। वो कोई बात नहीं है, इवन न्यार खांदा नहीं भाई, यहाँ तो दूध दे पिला के जी नहीं, मन नहीं लग रहा इसका। अच्छा, मन नहीं लग रहा? मन के मन लगे था यार, नू भैंस्या देश की मम्मी है वहाँ गाँव घर पर। अच्छा, हाँ मैं भाई जी के लग गया था यहाँ तो, घोड़े गाड़े दिखे हैं तो। अच्छा, ये मतलब 23 किलो इसकी मदर का रिकॉर्ड है? हाँ, ये लगी हुई है भाई, इसका शॉट ले लो। अच्छा। हाँ, 23 ससों का है, सेकंड ब्यांत का। तो सर जी आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार फिर से बता दो। एक बार भाई 93066-13313। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। आप देखोगे पीछे हो जाओ, आप देख सकते हो कि एक आपको देखोगे तो एक हाथी का बच्चा होता ना।